हर चीज़ का ना घटनाओं का महत्व होता है। ये जो कुछ भी हो सकता है इसमें भी देश का भला हो। पुण्य सजेगा देखना, पाप को थोड़ा गनेरा तो होने दो। पुण्य सजेगा देखना, पाप को थोड़ा गनेरा तो होने दो। ये ओस चमकेगी सोने की, थोड़ा सवेरा तो होने दो। ये ओस चमकेगी सोने सी, थोड़ा सवेरा तो होने दो। भले ही आसमान में हो बादल या गर्द के गुबार, सितारे तुमको दिखेंगे, जड़ा अंधेरा तो होने दो। तो उम्मीद रखनी चाहिए। और हम तो हरियाणा का आदमी प्यार प्यूर में घड़ा पड़ते नहीं। हमारे पास तो जो कुछ हम वो प्रस्तुत कर देंगे। तो मेरा के कहते हैं डीपी जूम कर लो, ये कर लो। हमारे तो बाघ भी से डीपी जूम करो तो सनी देव की फोटो आवाज देख लियो, गुरु जी के उस पर देख लियो, अच्छे देशभक्ति की बात पाऊंगी। करनी भी चाहिए। आज भाई साहब बालन साहब वो कहाँ गए, के पी सिंह जी? हाँ, क्योंकि पैसे उन्हें देने ना भाई साहब थोड़ा। हरियाणा का प्यार क्या सुनो, क्या छम छम करती नहीं बनके प्रपोजल। बैठ जाओ भाई साहब, कहते साइड में लिख जाएगा शेर मेरा। क्या छम छम करती नहीं बनके मेरे जीवन में आओगी के? हाँ भाई, आना तो आनी, दूसरी ने देखा। क्या छम छम करती रणी बनके मेरे जीवन में आओगी के? और नैना के लिया नैन मिला के प्रेम रस बरसाओगी के? बड़ी दूर से चलकाई तू प्यार की राई पे, आजा बैठ जा पास मेरे, नुबता चूरमा खाओगी के? बहुत अच्छे भाई। और के वादा करा भाई साहब? इससे बढ़िया क्या होगा, चूरमा खा लिया अपना। बोले तेरे काले काले नैना में, बैठ जाओ सर। भाई एक भाई साहब एक गाड़ी का इंतजाम करो, अभी करते हैं सर। कौन सी नहीं, कोई गाड़ी की चाबी हो तो दो भाई। किसी की गाड़ी की चाबी खो गई है, गाड़ी कौन सी, गाड़ी कौन सी है पहले ये बता। ऐसा है भाई साहब, हम तो चाबी भाभी की टेंशन लेते नहीं। अपने ना भाई, अपने संभाल कर रखो, हमारी कोई गारंटी नहीं। मैं तो घर भी अपना छोरा ने कहा भाई जब तक नहीं आओ मम्मी का ख्याल रखिए। चलो मैं शुरू करता हूँ भाई, तो मैं फिर हाँ तेरे काले काले ने नाम छोरी सुन। बेटा सुन, काम आऊंगी ये बात। ईसा सा संत कवि, आज तो मैं कुर्ता भी ईसा पैर गा रहा हूँ कि तेरे काले काले ने नाम मैं गोरी में काजल लगाए दूं के? हाय हाय, तेरे काले काले नैना में गोरी में काजल लगाए दूं के? तेरी लंबी लंबी जुल्फा में अंबर के बादल सजा दूं के? सारे शहर में फैल रहा डेंगू चिकनगुनिया, साच बचा तेरा सिरहाना कछुआ छाप जलाए दूं के? बहुत अच्छे भाई, है ना? और के आप पता क्या, हम प्यार पे ना ज्यादा पैसा खर्च करते नहीं। कछुआ साहब भी है, कई दिन काम चल रहा है उसका। अच्छा एक भाई, वो हमारे अरुण भाई साहब हैं, मच्छरदानी लिया है, क्योंकि हरियाणा का जो अंतरात्मा है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और चालाक होती है। मच्छरदानी में किए था मोरा पाया, दूसरा कान देखा दूसरा मोरा पाया, सोचे किए करा, दिमाग लड़ा, एक पाइप लिया है, इधर तक फंसा कर पाइप पर परला मोरा में काट दिया। साले मच्छर इधर तक एंटर कर पर लगा निकल गए। आइए सर, भाई साहब दी पेमेंट का तो स्वाद दिया हमने दे। अच्छा आजकल टीवी का काम चल रहा है। अच्छा मैं जो अभी फिल्म की बात कर रहा था, दोस्तों एक जरूर प्रॉमिस करना युवा साथियों, मैं क्यों इन कवि सम्मेलनों को अच्छा मानता हूँ कि यहाँ संस्कार की बात होती है, कविता की बात होती है। हम चलो मजाक में चाहे कुछ भी कहते हैं, लेकिन जाते जाते कुछ संदेश, जैसे वो बेटी की कविता सुनाई, कितनी उत्कृष्ट कविता थी। तो OTT प्लेटफॉर्म पर आज खोलोगे आपको गालियाँ सुनाई देंगी। हमने कोशिश की है कि हरियाणा के बच्चों को लेके एक ऐसी फिल्म बनाई जिसका नाम दिल हो गया लापता बताया। मेरी फिल्म अच्छी है या बुरी है मैं ये नहीं दावा करता,
लेकिन जिन लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ, जिनके चरणों में बैठता हूँ, उन्होंने हमें यह सिखाया है कि बेटा मुँह से निकले तो वो शब्द निकले कि सारा परिवार इकट्ठा बैठ के उसको सुन सके। बस ये थीम लाइन। अदरवाइज टीवी पर तो पता नहीं क्या चल रहा है, वो भी सीरियल खत्म हुआ है, अमिताभ बच्चन जी हर सीजन करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। वो हमारे एक दोस्त था राम सिंह, उसका नंबर लगा। हाँ तो राम सिंह जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? बोला जी हूँ तो मैं दिल्ली का, पर इलाहाबाद में मेरा बिजनेस है। ओ मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। चलिए आपसे आसान सा सवाल पूछता हूँ, आपके पिता का नाम बताइए। इन्हें सोची यार 7 करोड़ का मामला और इतना आसान सवाल ये तेरे को बाहर करना चाहता है। नुबला जी ऑप्शन दो। कंप्यूटर 4 जवाब दे दिए। लो जी धर्म सिंह, करम सिंह, दिनेश महेश, 4 नाम आ गए। हाँ तो बताइए आपके पिता क्या नाम? कल का चक्कर तो है कुछ ना कुछ। कल जी मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। ओ कौन सी लाइफ लाइन? कह रहे जी मैं पब्लिक की रैली, ऑडियंस पोल। ऑडियंस राम सिंह जी आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता अब। लो जी 25% सबने दे दिया। अब आप क्या करें? कहते लास्ट लाइफ लाइन कौन सी? कहते फोन है फ्रेंड। किससे बात कर रहे? अपनी माँ से बात कर रहे। हाँ माता जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन मरेगा करोड़पति से। आपके बेटे इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। नुबले अम्मा पिताजी का क्या नाम है? नुबले बेटा ऑप्शन बता। ये था वो था, इतनी देर में हो गया 30 सेकंड खत्म। हाँ तो आपकी तीनों लाइफ लाइन खत्म, अब आप क्या करेंगे? अब मैं आपको मौका देता हूँ, ऋषि होटल यूनिवर्सिटी के इस ऑडिटोरियम हिलना चाहिए ठाकों से तालियों से। बेबे तू तो रहने दिए, तेरे पर ना लिया, तू तो टाइम पर रोटी खा लिया, अगर वैसे मेरी है ना बेटा। हाँ तो खुश रहो, गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर। अच्छा हम कर लेते हैं। हाँ जी तैयार हैं आप? हाँ तो आपकी तीनों लाइफ लाइन खत्म, अब आप क्या करेंगे? नुबला जी मैं को रिस्क लेना चाहता, मैं गेम छोड़ कर जा रहा हूँ। चलिए मैं बस एक बात और सुना के, मैं एक कविता है चॉइस गुरुजी की है, भगत सिंह जी या माटी का चूल्हा जो कहेंगे। एक बार इन लोगों ने मैं भेज दिया जर्मनी, क्यों मैं जा नहीं सकता है अगर है। भाई साहब देखिए भरोसा ही हाथ दोगे परिमल जी बताओ इन्हें। भाई साहब मैंने ठेका ले रखा ICS के बोर्ड लगाने का, भाई परिमल आपके जो ICS के बोर्ड हर शहर में दिखते हैं, उनकी खासियत ये है कि दूर तो देखो तो डॉक्टर के लागे हैं, पास जाओ तो एकेडमिशियन के लगते हैं। तो इन्हें जर्मन भेज दिया, मगर भाई मन्ना जर्मन नहीं आती ना। बोला कुछ ना है, बात ने लंबा करके बोलो जर्मन हो जाएगी। इन्हें भगा भगो में पैक कर दिया, उड़ा एयरपोर्ट पहुँच रहा तो मैं थोड़ा घबरा गया। मन्ना तो बेरा नहीं, एक रेस्टोरेंट में गया, मैं ले जर्मन चेक कर लूँ, उड़ा डरा डरा बैठ गया। मैंने बेरा बुलाया जी, मैंने कहा मेरे लिए तुम पानी लाओ। वो गया यार पानी लिया। अब जगबीर राठी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैं कहा मेरे लिए तुम पिज्जा लाओ, पिज्जा भी आ गया और जो कुछ मंग रहा आ गया। तो मैं खा पी के अब तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं साथ साथ पूछता हूँ घूमने घामने की जगह कहाँ। मैं उसी के पास गया, बातचीत भर के मैं कहा भाई तू कहाँ का रहने आड़ा है? नुबला मैं मुड़थड़ कर बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन युवाओं आप जागते रहना, स्थितियां खराब हैं। अभी किसी ने 2014 के बाद की कुछ बात की, कहने उस पर कुछ सुनाओ। मैं तो एक लाइन की कविता सुनाऊंगा, जब फिट हो तो ताली बजा देना। लकड़ी का घोड़ा घोड़े पे घोड़ी, कविता खत्म।
खड़े हो जाना जब कोई ऐसी बात करे, बताना उनको, शहीद भगत सिंह को बताना, चंद्रशेखर को बताना, रानी लक्ष्मीबाई को बताना, कोहलू में पिसे हुए हरियाणा के शहीदों को बताना। दोस्तों इतिहास जरूर पढ़ना, और एक निजी अपने पर्सनल डेकोरेशन की तरह अपना इतिहास जेब में रखोगे, आपको दुनिया में कहीं सर नहीं झुकाना पड़ेगा। मैं क्या शहीदों को भूलोगे उस देश का कल्याण नहीं हो सकता। मैं जनता टीवी के इस मंच से आदरणीय केपी सिंह जी की उपस्थिति में, बाल्यान साहब, परिमल भाई, सभी साथी, अजय भाई, सभी लोगों की उपस्थिति में यह बात कहना चाहता हूँ कि जिस जिस समाज ने शहीदों का अपमान किया, उन्हें भूलने की कोशिश की, उसकी दुनिया में इज्जत जीरो बराबर हो गई है। आप अपने शहीदों का मान रखना। इसी संदर्भ के कविता, क्योंकि बात चल पड़ी, मैं सुनाता हूँ कि शहर कमा लगा था मेरा, भीड़ भड़का धक्कम पेला। मैं हरियाणवी में लिखता हूँ, हरियाणवी बोलता हूँ, हरियाणवी पढ़ता हूँ। वैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ न, सच में हूँ ऐसे, लेकिन दोस्तों मेरी इस बात पे ताली देना, मैं हरियाणवी बोलता पढ़ता लिखता इसलिए हूँ कि मेरी माँ हरियाणवी बोलती है, और माँ की बोली भगवान की बोली। शुरू करता हूँ 20 पंक्तियाँ गुरुदेव के चरणों में रखता हूँ। सिर्फ कुछ लाइनों ने इस काबिल बनाया कि ये लोग मुझे मंच पर बराबर आशीर्वाद देते हैं बैठा कर, तो आज मेरी कोई औकात नहीं है। ये लोग इतना बड़ा सागर है, मेरे पास तो एक लुटिया है छोटी सी, वो इसलिए मान करता हूँ क्योंकि ये लुटिया है, अमृत भरा उन लोगों ने भरा हुआ है। मैं शुरू होता हूँ। ये 20 पंक्तियाँ आपको मेरे हंसाई बात बेशक ना याद रहे, लेकिन ये 20 पंक्तियाँ आपके साथ कैरी करेंगे। मैं शुरू करता हूँ कि शहर कैमा लगा था मेरा, भीड़ भड़का धक्कम पेला, मैं और लड़का दोनों मिल गए, पहुंच के वहां लेके थैला। लड़का बोला चीज जी लूंगा, घूमूंगा मैं, मिजी लूंगा, खूब घुमाया खूब बनाया। फिर लड़का ने ध्यान लगाया, एक आदमी गुड्डे बेचता पाया। लड़के ने सिपाही का गुड्डा उठाया, दुकानदार ने फरमाया, बोले बाबूजी खाकी इसका सूट है, काले इसके बूट है, बूट का बूट मारेगा, जोर का सलूट मारेगा, डंडा घुमाओगा, मूछ फड़काओगा, आंख दिखाओगा, थामने डराओगा, ले लो बाबूजी 50 में आओगा। बहुत अच्छे भाई, वाह, ले लो बाबूजी 50 में आओगा। मैं दुकानदार से बोला, अरे तू हमने किए बकावेगा, 50 रुपया हम तसली पुलिस वाला आ जाओगा। लेकिन मेरे युवा साथियों, जब बात सुदीप भोला ने कही, कैसे भूल जाए हम कमलेश कुमारी को, वो भी पुलिस की एक जवान थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम पुलिस पर बड़ा व्यंग करते हैं, सेटायर करते हैं, कि दोस्तों एक बात जरूर याद रखना, जब हम होली दिवाली की खुशियाँ मनाते हैं, अपने परिवार के साथ बैठकर पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्दी पहनकर बंदूक टांगकर आपकी खुशियों की रक्षा करते हैं। एक बार तालियां उनके लिए भी गूंजे जोरदार, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। बलन साहब महाराज जींद में था एक थानेदार, बड़ा ईमानदार। एक ने अपनी बहू कूट दी दारू पी के, वो रोती रोती गई, थानेदार साहब ने रोज कूटा, मतलब लार पकड़ का कौन है नारी पर जुलम करनिया, पकड़ ले थाना में गिर का, खूब मारे खूब मारे, फिर मारेगा। बोले ना जी ना, मैं समझ गया। क्या समझ गया? बोला जी मैं तो अपनी समझ गया, पीटा करता मैंने कि मेरा सरकारी है। अब गंभीर हो जाइए और चलिए चलते हैं उस सफर पे जिस पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। मैं बोला रहा 50 में तसली आ जाओगा। दुकानदार के तेवर चढ़ गया, हम दोनों भी आगे बढ़ गए। फिर लड़के ने ध्यान लगाया, एक आदमी पोस्टर बेचता हुआ पाया। लड़के ने सवाल फरमाया, कहने लगा पिताजी ये कौन सा हीरो है, पोस्टर के रंग तो बिल्कुल जीरो है, कौन सी फिल्म में आया, पहचान ने पाँव के चाड़ा है, हमारे देश के हीरो तो मुछ मुंडे, पर यो तो मुछ वाला है। हमारे देश के हीरो तो मुछ मुंडे, पर यो तो मुछ वाला है। मैं बोला बेटा ये असली हीरो है, शाहरुख सलमान इसका आगे बिल्कुल जीरो हैं। इसने अंग्रेजों की जान ने कंट कराया था, इसने अंग्रेजों की जान ने कंट कराया था, और असेंबली में बम फोड़ कर असली का स्टंट कराया था। बहुत अच्छे, असेंबली में बम फोड़ के असली का स्टंट करा था। घर बार माँ बाप भूल गया, हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। हीरोइन जिसकी मौत थी, गुलामी जिसकी सोच थी, जिसके दम से आज देश में छाई बहार है। सच कहता हूं मेरे लाडले, ये भगत सिंह सरदार है। सच कहता हूं मेरे लाडले, भगत सिंह किस जीवट के आदमी थे। छोरा बोला समझ गया पिताजी, आड़े तो रोड़ है, क्यों बका रहे हो, तो बॉबी देओल है। भगत सिंह किस जीवट के आदमी थे, कौन बताए इन बच्चों को। ऐसा बताते हैं कि फांसी से पहले दिन उनकी माँ उनसे मिलने गई थी, उनकी जो बातचीत हुई मैंने अपने हरियाणवी ढंग में डाला है। अगर वो वाकई एक ऐसे नौजवान मर्द की बात हो
जिसने 23 साल की उम्र में देश में जीने से पहले मरना सीखा, तो आपकी तालियां वहां तक पहुंचे शहीद आजम के चरणों तक। मैं बताता हूं क्या हुआ था। जब गई माँ मिलने तो भगत ने कहा, सुन ले ध्यान से बात मेरी, हे जननी हे मात मेरी। उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये बातें आपके मन में जाएं और कुछ ऐसा करने की हम सोच लें कि देश के लिए हम कुछ करें, बस पर्पज इतना ही है। भगत ने कहा कि सुन ले ध्यान से बात मेरी, हे जननी हे मात मेरी, मेरी मौत पर नीर बहाइए ना, लाश लेन भाई ने भेज दिए तू आइए ना। माँ ने पूछा, भगत क्यों? तो भगत का जवाब था कि मेरी लाश देख कर माँ जब तू अपना धीरज खो पड़ी, अरे सारी दुनिया के कहेगी भगत की मारो पड़ी। बहुत अच्छे जगवीर भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। ऐसी जीवट के आदमी थे वो, ऐसी जीवट का एक फरिश्ता था। लड़का बोला, समझ गया पिताजी आड़े तो रोड़ है, क्यों बकावे तो बोबी दोल है। मैंने खुद को आसमान की तरफ दौड़ाया, बादलों में शहीद भगत सिंह नजर आया। हमें माफ करना सरदार, हमारी नियत में खोट है और फांसी के फंदे तक गहरी लगी में तेरा चोट है। आज पहली बार अपने जीवन में हूँ शर्माया, तेरा गुनहगार हूँ जो बच्चे को तेरा बलिदान नहीं बताया, तेरा गुनहगार हूँ। सुन लो मेरे युवा साथियों, केपी सिंह जी, मेरे ऑफिस में एक तस्वीर लगी है शहीद आजम की। पिछले दिनों एक बहुत ही हसीन चोरी हुई, कोई स्टूडेंट आया और मेरी वो तस्वीर उठा के ले गया मेरे पीछे से। मैंने भगवान से कहा कि भगवान करे ये चोरी मेरे ऑफिस में हर रोज़ हो और हर बच्चे के कमरे में शहीद आजम का चित्र हो। सुन लो मेरे युवा साथियों, शहीदों को मत भुलाना, घर के किसी कोने में उनका छोटा सा फोटो जरूर लगाना। जिन पंक्तियों को जीता हूँ, पढ़ता हूँ, ओढ़ता बिछाता हूँ, रखता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जिस घर में शहीद भगत सिंह का चित्र है, सच कहता हूं मेरे साथियों, वो घर मंदिर से भी पवित्र है। ये नई पीढ़ी, नए बच्चे उनको भूल ना जाएं, ऐसे यतन बनाना तुम। जब भी संगीत उठे थारे दिल में, आइए मौका देता हूं इस ऑडिटोरियम को पवित्र कर दें उस तराने से जो सच में उन शहीदों का प्रिय तराना होता था, कि सुन लो मेरे देशवासियों, शहीदों को मत भुलाना, घर के किसी कोने में उनका छोटा सा फोटो जरूर लगाना, नई पीढ़ी नए बालक उनको भूल ना जाएं, ऐसे जतन बनाना तुम। और जब भी संगीत उठे थारे दिल में, बस एक गाना गाना तुम, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, होए रंग दे बसंती चो, गाओ साथ, मेरा रंग दे बसंती चोला, होए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।